खमागणी साहब, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल शुभा भाई सास फैमिली में। तो ये है हमारे घर का मंदिर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग दिल्ली आ चुके हैं, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना आपको माता रानी के दर्शन करवा दिए जाएं। तो ये है हमारा छोटा सा लकड़ी का मंदिर, जो कि सबसे फर्स्ट जो रूम है हमारा उसी में रखा हुआ है। हाउस टूर भी हम देंगे, लेकिन कल या परसों मैं दे दूँगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा थोड़ा। अभी आज हम लोग बहुत थके हुए थे, इस वजह से होम टूर तो नहीं दे पाई, लेकिन मैंने सोचा कि मंदिर तो आपको दिखा ही सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही सुंदर सा मंदिर है, और ये मॉर्निंग का टाइम है, 5 बजे जब हम लोग पहुँचे थे। वैसे हम शाम को निकलने वाले थे, लेकिन किसी रीज़न की वजह से हम लोग शाम को नहीं निकल पाए, इसलिए फिर हम रात को 11:30 बजे हमारी बस थी, 11:30 बजे आई, और सुबह 5:30 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। ये तभी का एक क्लिप है जो मैंने बनाया था। अर्शु वापस बस से आया ऑटो में, फिर हम लोग आए यहाँ, क्योंकि गाड़ी कोई चलाने वाला नहीं था इस वजह से। और ये हम दोनों की फ़ोटो है, जो कि जब मैं यहाँ डेली रहती थी ना, तब से लगी हुई है। और भी बहुत सारी पिक्स यहाँ पे लगी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कल या परसों के वीडियो में। तो ये बहुत ही प्यारी सी, जब हमारी शादी को कुछ ही टाइम हुआ था तब की एक फ़ोटो है, जो कि अभी तक लगी हुई है वहाँ पे। और परी को भी नींद आने लग गई थी वापस, तो परी ने बोला मम्मा मैं भी सोऊंगी, भाई सो गया, मुझे भी नींद आ रही है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अभी सो जाओ, नहाना धोना है, उसके बाद थोड़ा लेट नहा लेंगे हम लोग। तो अभी दोनों बहन भाई सो रहे हैं, क्योंकि परी को नींद आ रही थी। अर्शु हमारा ऑलरेडी सो चुका है, और ये दोनों बहनें जन्म जन्म की बिछड़ी हुई है, जो अभी मिली है और बातें कर रही हैं। और इसके बाद आज का ये वीडियो है, जब हम लोग मंदिर गए थे, क्योंकि आज शिवरात्रि है, तो हम लोग सबका फास्ट था आज, इसलिए हम लोग मंदिर गए थे। और मंदिर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 1 या 2 मिनट लगता है यहाँ से पैदल जाने में। तो ये देखिए, आपको मैं भीड़ दिखाती हूँ, इतनी बड़ी लाइन थी मंदिर में, और हम लोग भी लास्ट में खड़े हैं। ये हम सब लोग आए थे, सब लोग ही गए थे, क्योंकि सब लोगों का ही फास्ट था आज शिवरात्रि का। अर्शु को भी लेके गए थे हम साथ, और लाइन इतनी लंबी थी, हमें मतलब आधा पौन घंटा लग गया था हमारा नंबर आते आते। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आपको भी मंदिर के दर्शन करवा दिए जाएँ। और हम लोगों ने आधे से ज़्यादा लाइन जो है क्रॉस कर ली है। हमारे बाद भी बहुत से लोग लाइन में लगे थे, ये जो इस साइड में लोग लगे हुए हैं ना लाइन में, ये सब हमारे बाद में आए हैं। आज मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि आसपास में यही एक सबसे बड़ा मंदिर है, तो इस वजह से थोड़ा भीड़ ज़्यादा था। और शिवरात्रि थी, इस वजह से भी कुछ ज़्यादा भीड़ थी, वरना इतने लोग नहीं होते हैं। और ये हमारी परी भाई साहब, इसको कहीं से गुलाब का फूल मिल गया था, तो ये खेलने लग गई। और फाइनली बहुत लंबे इंतज़ार के बाद हमारा नंबर आ गया था, लेकिन फिर भी आराम से पूजा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि 4-4, 5-5 लोग एक साथ पूजा कर रहे थे इस वजह से। तो यहाँ पे पानी का कलश हम लोग भरेंगे, उसके बाद उसमें दूध वगैरह डालेंगे और भगवान जी को चढ़ाएंगे, और बहुत जल्दी जल्दी हमें पूजा करनी होगी, क्योंकि ज़्यादा देर रुकने नहीं दे रहे थे पंडित वगैरह, क्योंकि और भी बहुत लोग थे, इसीलिए फटाफट से बस जैसा हुआ हमने अपनी तरफ से पूरा किया पूजा पाठ। Thank you.
एंड जो शिवलिंग वगैरह थे वहीं पे सिर्फ भीड़ थी, बाकी जो मंदिर था वो पूरा खाली पड़ा हुआ था। तो इसीलिए हम आपको अच्छी तरह से मंदिर में जो भी मूर्तियाँ स्थापित की हुई है वो मैं आपको अच्छे से दिखा सकती हूँ। और बहुत ही शांति मिलती है इस मंदिर में आने के बाद, क्योंकि बहुत अच्छा और बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। पहले से काफ़ी चेंज हो चुका है ये, पहले ऐसा नहीं था, पहले थोड़ा पुराना मंदिर था ये, लेकिन अब इसको पूरा मतलब न्यू बना दिया, इसमें मूर्तियाँ वगैरह भी न्यू स्थापित कर दी है। पहले ऐसा नहीं था, अभी तो बहुत सुंदर बन गया है। जब मैं यहाँ रहती थी ना तब ऐसा नहीं था। मैं भी काफ़ी टाइम बाद दिल्ली आई हूँ, लेकिन ये मंदिर जो है पूरा चेंज हो चुका है, बिल्कुल न्यू बन चुका है पूरा, और बहुत ही सुंदर। इसमें बहुत सारे भगवान जी की मूर्तियाँ हैं अलग अलग, जो कि मैं आपको एक एक करके सारी इस वीडियो में दिखा रही हूँ। एंड प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। और ये देखिए, ये सारे भगवान जी जो यहाँ पे हैं स्थापित किए हैं। एंड लास्ट में ये साईं बाबा की एक मूर्ति थी जो कि बहुत बड़ी और बहुत ही सुंदर थी। भी देवताओं के दर्शन हमने कर लिए हैं, शिवलिंग में भी जल वगैरह चढ़ा दिया, उसके बाद हम लोगों ने प्रसाद लिया। एंड प्रसाद लेने के बाद हम लोग अब घर जाएंगे, और ये देखिए कितनी लंबी लाइन अभी भी लगी हुई है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर। और शाम को हमने सोचा क्यों ना मार्केट हो आते हैं, क्योंकि मार्केट पास में ही था। जो तिलक नगर मार्केट है वो हमारे घर के पास में ही है। रिक्शा से 10 रुपये लेता है रिक्शा वाला और मार्केट में छोड़ देता है। तो हमने सोचा कि ज़्यादा टाइम हम मार्केट में नहीं रुक सकते, बिकॉज़ अर्शु इतनी देर रुकेगा नहीं, वो मतलब 1-1.5 घंटा ही रुकेगा मार्केट में। तो हमने सोचा कि हम डेली 1-1 घंटा जाएंगे मार्केट, तो अर्शु ज़्यादा परेशान नहीं होगा, इसीलिए हम लोग मार्केट जा रहे थे। और सबसे बेस्ट जो मार्केट का टाइम ऐसा निकला हमारा कि हम लोग जैसे ही जा रहे थे ना, रास्ते में हमें शिवजी की बारात दिखी, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ थी और शिवजी की शादी हो रही थी। शिवजी एकदम दूल्हा वगैरह बने हुए थे, इतने सुंदर लग रहे थे, नज़र ना लग जाए भगवान जी को। तो ये बैंड बाजा बारात के साथ पूरे बाराती आए हुए थे, और बहुत ही सुंदर झांकियाँ भी थी जो कि आगे आपको देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सभी लोग पूरी तरह से गुलाल में भरे हुए थे, और बहुत ही बैंड बाजा का अच्छा सा साउंड आ रहा था, गाने वगैरह भी बज रहे थे, भजन वगैरह। एंड अर्शु को भी किसी ने रंग लगाया था, एक छोटी सी बच्ची आई थी जिसने अर्शु को रंग लगाया था, और अर्शु ये देखकर बहुत खुश हो गया। एंड परी बोली मम्मा मुझे भी होली खेलनी है, ये सब तो होली खेल रहे हैं, इनकी तो होली आ गई। और आगे जो पालकी आ रही है वो है शिव जी जो दूल्हा बने हुए हैं, और बहुत ही सुंदर उनको सहरा वगैरह सब पहनाया गया है, और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। अभी मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी तो आप लोग देखना, बहुत ही सुंदर लग रहे थे हमारे भोले भंडारी। ये देखिए शिव जी की जो मूर्त है उसने सहरा वगैरह पूरा प्रॉपर पहना हुआ है, और एकदम दूल्हे राजा के लिबास में जच रहे हैं। और ये देखिए नंदी की सवारी कर रहे हैं हमारे शिव भोले भंडारी, कितने सुंदर लग रहे थे। इतना त्रिशूल भी इतना बड़ा था, और ये नंदी इतना सुंदर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा इसको अच्छी तरह से एकदम तैयार किया गया था, और बहुत मज़ा आया हमें ये सब देख के। और परी ने बोला मम्मा आज तो मैंने हकीकत के भगवान जी देख लिए। तो इस तरह से हमें मतलब थोड़ा बहुत अच्छा लगा कि आज शिवरात्रि के दिन हमें इतनी अच्छी झांकी के दर्शन हुए। उसके बाद हम लोग पहुँचे मार्केट, तो मार्केट में मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये स्लीपर वगैरह की शॉप है, जो कि परी के लिए स्लीपर हम लोग ले रहे थे, तब मैंने रिकॉर्ड किया था। और इतनी वेराइटी है जितनी आपको जयपुर में नहीं मिल सकती। तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन एक बच्चों के स्लीपर्स का इनके पास था, जो कि मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाने का कोशिश कर रही हूँ, आप देख सकते हैं।
जो प्राइजेज़ हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जयपुर में और यहाँ में, लेकिन वैरायटी बहुत ज़्यादा है। जयपुर में जो चीज़ 10 ही मिलेगी वो यहाँ 50 आपको मिल जाती है, बस यही फ़र्क एक लगता है। इसी वजह से मुझे दिल्ली से शॉपिंग बच्चों के लिए करना बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ वैरायटी बहुत ज़्यादा है, स्लीपर्स हो या फिर कपड़े वगैरह हो, बहुत ही ज़्यादा वैरायटी आपको मिल जाती है। ये जो तिलक नगर मार्केट है ये इतना सस्ता नहीं है, लेकिन एक दो मार्केट हैं हमारे आसपास में जो कि बहुत सस्ते हैं। आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये देखिए, एक ईयरिंग्स वाला खड़ा था जिसके पास बहुत ही सुंदर सुंदर ईयरिंग्स का कलेक्शन था, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे अभी नीड नहीं था ईयरिंग्स का, और थोड़े से ये महंगे भी दे रहा था, इस वजह से भी मैंने नहीं लिए। एक अंकल के पास सूट वगैरह हम लोग देख रहे थे, इनके पास सूट काफ़ी अच्छे थे एंड प्राइस भी बहुत ही रिजनेबल था, तो इसीलिए मैंने एक दो सूट वगैरह लिए हैं जो कि आपको जब मैं जयपुर जाऊंगी उसके बाद देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं जो भी शॉपिंग करके लाऊंगी आपको ज़रूर दिखाऊंगी वीडियोस में, जयपुर जाके दिखाऊंगी, लेकिन अभी नहीं पॉसिबल हो सकता क्योंकि हम लोग मार्केट जाते हैं, फिर थोड़ा बहुत घर का काम भी होता है और इसी वजह से मैं वीडियोस आपको इतना नहीं दिखा सकती। अर्शी को भी रखना होता है, बहुत सारा काम होता है, इस वजह से मैं आपको यहां नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन जयपुर जाने के बाद मैं बिल्कुल फ्री हूं, तो मैं वहां आपको जो भी हम सामान लाए ना उसका कलेक्शन पूरा दिखाऊंगी। तो प्लीज़ वीडियोज़ को कंटिन्यू वॉच करते रहना एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना एंड शेयर करना मत भूलना और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर ही कर देना। तो ये देखिए, इनके पास बहुत ही अच्छे अच्छे सूट के कलेक्शन थे और बहुत ही अच्छे अच्छे कलर भी थे। और दिल्ली में ना अच्छा और सस्ता सामान लेने के लिए आपको थोड़ा घूमना पड़ता है, जब आप नए होते हो नहीं जानते ना तो आपको घूमना पड़ता है, एक शॉप ऐसी नहीं होती कि जिस पे सारा सस्ता सामान मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। तो हमें बहुत सर्च करने के बाद ये एक शॉप मिली थी जिसमें मतलब हेयर एक्सेसरीज बहुत अच्छी थी, बच्चों के अकॉर्डिंग एंड बड़ों के हिसाब से भी बहुत अच्छी थी, लेकिन थोड़ा हमें इसको ढूंढने में टाइम लग गया। इसके पास बहुत अच्छे हेयर बैंड्स कलेक्शन था और क्लिप्स वगैरह थे, तो मैंने परी के लिए लिए हैं, वो मैं आपको जयपुर जाने के बाद दिखा दूंगी कि मैंने कौन कौन से लिए थे। और उसके बाद ये कपड़े वगैरह थे बहुत ही अच्छे अच्छे, तो हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके मार्केट क्योंकि अर्शु रोने लग गया था, तो हम लोग फटाफट एक डेढ़ घंटा मार्केट रुके उसके बाद आ गए थे। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर, और रिक्शा में बैठे बैठे ही हमने ये वीडियो बनाया था क्योंकि आपको इससे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि तिलक नगर का जो मार्केट है वो कैसा है, और काफ़ी जगह पे सेल भी लगी हुई थी, 100 रुपीज़, 200, 250, काफ़ी जगह सेल वगैरह लगी हुई थी कपड़ों की, जूतों की। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आप इस एरिया में रहते हो या फिर कभी आओ तिलक नगर में, तो इस तरह का मार्केट आपको मिलता है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा कलेक्शन तो मिल ही जाता है, साथ में जयपुर से रिजनेबल है यहाँ के प्राइजेस। और जो भी मार्केट हम लोग जाएंगे ना, मैं पूरा वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियोस को ज़रूर देखते रहना। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।